So it's live. Your session is live, so you can start your session. So session ज़्यादातर हिंदी में रखिएगा. जी हिंदी में ही होगा पूरा सेशन. हाँ जी, थैंक यू. वंदना मैम, आप प्लीज सर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. हेलो हेलो. यस वंदना मैम. हेलो वंदना मैम, आप म्यूट पे हैं. वंदना मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आपको. हाँ जी, आप सर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और फिर सर सेशन स्टार्ट करेंगे. वन मिनट. हाँ मैम. बाबू इसको लेके जाओ जरा. Yes, ma'am. Should I start now? Yes, ma'am. Okay. So today I have invited one person. His name is Mr. Dipesh Jain. He's working with Consumer Rights Organization. It is a voluntary consumer organization. He's working with Consumer Rights Organization since 2011. And he has worked as Gujarat State President in 2014 and 15. He has also worked as a state coordinator in 2015 to 2020 till date, and he is right now currently working as national deputy secretary in CRO. CRO basically works with consumer rights organization, and it is working for consumer awareness, consumer education, and consumer protection. The CRO is having presence in 24 states of India. Mr. Dipesh has done his MBA from Australia, and he has done his diploma in entrepreneurship from EDI Ahmedabad. And I know him from my college times, and he's a very wonderful person. So over to Dipesh. Mr. Dipesh, yeah. Please continue with your session. Thank you very much, Vandana. And it is nice meeting you once again after a very long time of prayer. सबसे पहले आसियाना की सभी सुपर मॉम्स को मेरा नमस्कार, नारी शक्ति को मेरा सलाम. और आसियाना सुपर मॉम्स जो ये प्रोग्राम्स अवेयरनेस के कर रही है, उन सबके लिए मैं उन सबको अभिनंदन देता हूं कि जागरूक होना बहुत जरूरी है. और जब देश की अगर नारी जागरूक है तो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और देश तभी सुरक्षित है जब देश की नारी जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षित है. ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हमने कभी भी अपनी हाईलाइट्स नहीं डाली, कभी नजर नहीं डाली. जैसे कि एक कंज्यूमर का मैं आपको कह दूं डिपार्टमेंट है जिस पर कभी किसी ने इतनी ज्यादा फुर्सत से टाइम नहीं लिया. ये एक अलग से डिपार्टमेंट है, अपने देश के उपभोक्ताओं के लिए काम करता है. इसके अलग से कानून है, इसकी अलग से कानूनी व्यवस्थाएं हैं, अलग से एक कोर्ट है. ऐसी बहुत सी अलग सी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिनसे हम एक दूसरे को बचा सकते हैं. अब सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो एक फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि जो कंज्यूम्ड होता है पूरा सालाना परचेस, उसमें 60% परचेस जो है सर्वे में दिखाया जाता है कि दैट इज फ्रॉम द फीमेल कैंडिडेट्स. तो अगर आप लोग इस कानून से अगर आप शिक्षित हैं तो आप दूसरों को इस कानून के बारे में बता सकते हैं और अपने साथ होने वाले अन्याय से अपने आप को बचा सकते हैं. क्योंकि आप लोग सुबह उठते दूध की परचेस से लेकर रात को आप सोते हैं तब तक आप सबसे बड़े कंज्यूमर हैं. कंज्यूमर कानून क्या है, कब से चालू हुआ, इसके अधिकार क्या है, क्या अमेंडमेंट्स हैं, किन किन चीजों पर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, उसकी आवाज हमें कहाँ उठानी है, किसके सामने हमें हमारी आवाज रखनी है, इन सभी मुद्दों पर आज हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे.
सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि इस कानून की शुरुआत कब और कहां से हुई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए सबसे पहले इंटरनेशनली मनाया जाता है 15 मार्च 1962 जॉन कैनेडी ने यूएसए में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। उनका कहना यह था कि किसी भी देश में हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी बिजनेस तभी हो सकता है जब अनट्रेड फैक्ट्रीज को रोका जाए, उपभोक्ताओं के साथ में होने वाले अन्याय को रोका जाए। इन्हीं चीज को देखते हुए भारत में इसको लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। 1986 को सबसे पहले कंज्यूमर कानून बनाया गया जिसके अंदर कंज्यूमर्स को 6 अधिकार दिए गए। वो अधिकार क्या हैं उनके बारे में हम जानते और समझते हैं और उसके बाद में हम विस्तृत इस कानून के बारे में और डिस्कशन करेंगे कि इस कानून में आपको कहां जाकर अपनी कंप्लेंट देनी है। 1986 में पहला कानून बना, 2009 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और इस पूरे कानून को 2019 में यानी कि पिछले साल मोदी सरकार ने पूरा परिवर्तित करके नए कानून के स्वरूप में इसको सीपीए एक्ट 2019 के तौर पर पारित किया गया। जो अधिकार हमको दिए गए हैं एक कंज्यूमर के तौर में उसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी किसी भी बात को जानने का अधिकार एक उपभोक्ता को है। जैसे कि अगर हम कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं कि मैंने एक पेन लिया है तो मैं उस पेन के बारे में पूछने का अधिकार रखता हूं कि उस पेन का निर्माताकर्ता कौन है, पेन कहाँ की है, कब बनी थी, कैसे बनी थी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं और उनको जानने का हमारा अधिकार है। यानी कि अगर हम किसी चीज पर गए हैं, हमने कपड़े की दुकान से हमने कोई छोटी सी खरीदी की है तो हम उस निर्माताकर्ता के बारे में पूरी हिस्ट्री जानने का हक और अधिकार रखते हैं। तो अगर यदि हम किसी से किसी चीज का सवाल पूछते हैं और उस सवाल पर हमें जवाब नहीं मिलता है या वो इंफॉर्मेशन देने से हमें मना करता है तो वो सीपीए एक्ट के कानून का उल्लंघन कर। दूसरा कानून जो हमें दिया गया है वो सबसे बड़ा कानून है राइट टू चूज। किसी भी चीज को परचेस करने के लिए हम उसे चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने 4 चीज की वैरायटी पड़ी है, आप एक दुकान में गए हैं साड़ी खरीदने के लिए या ड्रेस खरीदने के लिए, दुकानदार को आपने बोला कि आप मुझे 4 या 5 अलग अलग आइटम बताएं, वो 5 आइटम में से किसी भी एक चीज को सिलेक्ट करने का आपका अधिकार है। आप मना भी कर सकते हैं वो 5 चीज देखने के बाद में कि मुझे ये नहीं लेना है। आप ये भी कर सकते हैं कि उन 5 में से किसी एक चीज को रखकर बाकी की 4 चीजों को मना कर सकते हैं। कहीं जगह ये देखा जाता है कि हम चीजों की खरीदी करते हैं, थोड़ी सी चीज हमने निकलवा ली और उस पर जब हम मना करते हैं कि नहीं लेना है तो कहीं जगह पर व्यापारी वर्ग जो है वो कंज्यूमर के साथ में गर्म हो जाते हैं। तो फिर से वो कंज्यूमर एक्ट के कानून नंबर 2 के अंतर्गत वो एक तरह से नॉन प्रैक्टिस है। तीसरा अधिकार जो हमें दिया गया है वो है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी इन द सेंस एनवायरमेंटल सेफ्टी। हम किसी दुकान में जा रहे हैं तो वहां पर हैजर्डस से बचाने की सेफ्टी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या बड़े बड़े पिज्जा पार्लर्स में या बर्गर्स पार्लर्स में आप जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल एक नई प्रैक्टिस है कि अगर आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वहां किसी प्रकार की सफाई चल रही है और उस सफाई के दौरान पर एक बॉर्ड मारा जाता है द फ्लोर इज वेट यानी कि वो जगह गीली है तो आप देख कर चलिए। यदि आप उस दुकान में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार का कोई नोटिस बोर्ड नहीं दिया गया है या दुकान में किसी प्रकार का काम चल रहा है और उस प्रकार की कोई नोटिस लगाई नहीं गई है और उस दुकान में प्रवेश करने पर या उस जगह पर प्रवेश करने पर अगर आपको लग जाती है या आपको चोट आती है तो आप उसके कंपनसेशन मांगने का हक और अधिकार रखते हैं। राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में एनवायरमेंटल भी जो है वो कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत आता है कि अगर आप किसी विस्तार में रह रहे हैं और उस विस्तार में ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री आई हुई है जो रेसिडेंशियल एरिया को पॉल्यूट कर रही है या रेसिडेंशियल एरियाज के विस्तार को मतलब कंप्लीटली सेफ्टी नहीं है तो आप राइट टू सेफ्टी के अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। फिर आता है राइट टू स्पीक यानी कि आप अपने अधिकारों के बारे में बोल सकते हो, आप किसी भी चीज के बारे में बहस कर सकते हो। बहस इन द सेंस इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम गर्मा गर्मी पर उतर आए और किसी प्रकार की हमने गर्मा गर्मी चालू कर दी और हम लोग सामने वाले व्यापारी के साथ में हमने बोलना चालू कर दिया। तो राइट टू हर्ड यानी हमारी बात को सामने वाले को सुनना होगा। आपने कोई चीज खरीदी है और वो चीज सही नहीं है और अब जब आप बदलाने जाते हो
तो सामने वाले को आपकी बात सुननी होगी। कहीं जगह ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं, कहीं जगह ऐसी चीज आपको बता दी जाती है कि आपने एक बार चीज खरीद ली यानी उस चीज को आप बदला नहीं सकते। आप जब चेंज कराने जाओ तो सामने वाला दुकानदार या सामने वाला जो भी व्यापारी है वो आपसे उपद्रव व्यवहार पे आ जाता है कि आप ये क्यों लेके आए, हमने तो बोर्ड मारा हुआ है पहले से कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिप्लेस्ड और विल बी एक्सचेंज। अगर आपको इस प्रकार का कहीं भी बोर्ड दिखता है तो वो कंज्यूमर एक्ट के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का निर्णय और डिसीजन दिया गया है कि हमारे देश में किसी भी चीज के कानून का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यदि आपको किसी जगह पर इस प्रकार का बोर्ड दिखता है या किसी के बिल में नीचे लिखा हो कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिप्लेस्ड और एक्सचेंज, तो वो कंज्यूमर एक्ट के अगेंस्ट है और आप उनके खिलाफ कंज्यूमर डिपार्टमेंट में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और उनके सामने आप कंज्यूमर में केस भी फाइल कर सकते हैं। कहीं जगह ऐसा भी होता है कि आप जब चीज लेने जाते हैं या एक्सचेंज करने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ये कह देगा कि नहीं, आपने जो चीज ली है आपको वही चीज उसी रकम की या उसके आसपास की आपको सिलेक्ट करनी होगी, हम आपको डिफरेंस अमाउंट या तो आपको अमाउंट हम वापस नहीं देंगे। तो वो भी कंज्यूमर कानून के विरुद्ध है। आपको अगर चीज पसंद नहीं आई यानी कि राइट टू चूज, आपने जो चीज ली है आपने उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है या आपने उसे किसी प्रकार का डैमेज नहीं किया है, आपने उस चीज को यूज करने पर आपको लगा है कि वो चीज आपको फिट प्रॉपर नहीं हो रही है और आपने उनको अच्छे पैकिंग में वापस दिया है, तो उनको आपको पैसा वापस देना होगा। अगर आपको यदि कोई ऐसा कह देता है कि नहीं हम ली हुई चीज वापस नहीं लेंगे, हम आप एक्सचेंज कर देंगे लेकिन आपको पैसा वापस नहीं देंगे, तो आप कभी भी कंज्यूमर डिपार्टमेंट में उनका दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं और आप कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो कि आप और हम अभी कर रहे हैं। ज्यादातर केसी में ग्राहकों को अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है कि क्या अधिकार है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, कहाँ केस डालना है, कहाँ केस नहीं डालना है। ज्यादातर आप में से कई लोग ऐसा होंगे कि ये नहीं जानते हैं कि कंज्यूमर डिपार्टमेंट में आपको वकील की जरूरत नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में एक कंप्लेन करने वाला खुद ही वकील है। वो चाहे तो अपना केस खुद फाइट कर सकता है, अपने केस की दलील वो खुद कर सकता है, अपनी आवाज को वो अपने तरीके से वो प्रस्तुत भी कर सकता है, यानी कि वो अपनी बात को रख सकता है, उसमें उन्हें किसी प्रकार के मीडिएटर की जरूरत नहीं है। जैसे कि सिविल कोर्ट्स के अंदर होता है कि अगर कोई केस है तो उसके लिए आपको एक लॉयर हायर करना होगा, फिर वो लॉयर जो है वो आपकी बात को प्रेजेंट करेगा और अपनी बात को आप रखोगे। कंज्यूमर फोरम के अंदर इन चीजों में जो कंज्यूमर है वही अपनी आवाज रखना चाहे तो रख सकता है, वो अगर कोई वकील हायर करना चाहे तो कर सकता है, वो किसी एनजीओ को अपने रिप्रेजेंटेटिव तौर के तौर पर हायर करना चाहे तो भी वो कर सकता है। यानी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि हमारा जो काम है सीआरओ का, बेसिकली हम पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा अधिकार है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हम पिछले 10 सालों से भारत के 24 शहरों में, स्टेट्स में और कई शहरों में हमारी प्रेजेंस है जहां पर हम इस प्रकार के कंज्यूमर एजुकेशन करते रहते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में मार्च से, अप्रैल से लेके अब तक मैंने कम से कम 20 ऐसे वेबिनार्स किए हैं जहां पर हम लोगों ने इस प्रकार से लोगों को शिक्षित और जागरूक किया है कि आप कंज्यूमर के कानून के बारे में जानें, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर कानून के बारे में जानेंगे तो ही आप अपने हक और अधिकार के बारे में लड़ पाएंगे। दिवाली की फेस्टिवल सीजन चालू हुई है, यही एक ऐसी सबसे बड़ी सीजन है जिसमें सबसे बड़ी आवाज आती है कि ये कंज्यूमर के साथ में सबसे बड़ी चीटिंग्स की जाती है, अनट्रेड प्रैक्टिस की जाती है, कानून को तरोड़ और मरोड़ा जाता है। कहीं जगह आपको ऐसे भी सुनने में आता है कि कभी आप किसी चीज पर बहस पर उतरे और आप किसी को ये कह देते हो कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूं, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तो सामने वाला ये कहेगा आपको कि चले जा कंज्यूमर कोर्ट में, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब वो समय गया कि जहां सामने वाले दुकानदार को या विक्रेता को ये लगता है कि कंज्यूमर डिपार्टमेंट में उसका कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब उन जैसे लोगों का जो अनट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंज्यूमर जो एक बाजार का राजा है, हमारे महात्मा गांधी कहते आए हैं कि कंज्यूमर इज अ किंग, बाजार का सबसे बड़ा राजा जो है वो एक ग्राहक है, ग्राहक को हमारे देश में भगवान के तौर पे भी माना जाता है। लेकिन जब बात पूछने की आती है ग्राहक को, तब हम उनसे क्या करते हैं,
ज्यादातर हम उनके साथ में चीटिंग कर बैठते हैं, और वो चीटिंग हमारे साथ इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। राइट टू सेफ्टी के अंदर मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा कि आपने कोई चीज परचेज की है और वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, उस चीज को आपने कंज्यूम कर लिया है, और उस चीज को कंज्यूम करने के बाद में आपके साथ में कुछ भी होता है, आपको हेल्थ को कोई भी इफेक्ट पड़ता है, तो राइट टू सेफ्टी के अंतर्गत आप उस विक्रेता या उस मैन्युफैक्चरर्स के सामने केस डालकर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती हैं। ये थे हक और अधिकार के बारे में। अब आता है सेशन नंबर 2 की कंप्लेन कहां करें, कब करें और कैसे करें। तो कंप्लेन करने के लिए कंज्यूमर फोरम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि सिविल कोर्ट के अंदर व्यवस्थाएं बिठाई गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही कंज्यूमर के अंदर भी सिटी रिडेफरेंशियल फोरम यानी कि कंज्यूमर फोरम जो सिटी का होगा, वो सिटी का यानी कि जिले का, फिर डिस्ट्रिक्ट से ऊपर आता है स्टेट रिडेफरेंशियल, यानी कि स्टेट रिडेफरेंशियल फोरम में आप जा सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई केस फाइल स्टेट सिटी के अंदर आपके अंदर किया है फाइल आपने, और उस केस से आप सेटिस्फाइड नहीं है या आपको न्याय नहीं मिला है, तो जैसे आप सिविल कोर्ट के अंदर आप सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वैसे ही आप नीचे की कोर्ट से यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिफरेंशियल कोर्ट से आप स्टेट रिफरेंशियल कोर्ट तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टेट में आपको न्याय सही ढंग से नहीं मिल रहा है तो आप नेशनल डिस्प्यूट रिफरेंशियल फोरम में आप जा सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग चीजों पर विभाजित किया गया है। पहले का कानून ये था कि 20 लाख तक के जो भी केसेस होते थे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में लगते थे, 20 लाख से ऊपर के क्षति का अगर कोई केस है और 1 करोड़ तक का केस है तो वो स्टेट में लगता था, और 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी केस होता था वो नेशनल ड्यूरेशन फोरम में लगता था पहले का केसेस में। अब मैं आप पे आ रहा हूं साथ में 2019 और 1986 के बीच का डिफरेंशिएट कि कंज्यूमर में सबसे पहले ये होता था कि आपने अगर रह रहे हैं आप बड़ौदा में, आपने चीज परचेस की है हरियाणा से, गुड़गांव से परचेस की हुई चीज का केस आप गुड़गांव में ही फाइल कर सकते थे पहले, लेकिन 2019 का जो नया कानून आया है उसके अंतर्गत अगर आप बड़ौदा में रह रहे हैं और अगर आपने चीज जो है वो हरियाणा से परचेस की है तो उसका केस आप बड़ौदा में फाइल कर सकते। पहले के कंज्यूमर फोरम में 20 लाख तक का केस ही डिस्ट्रिक्ट में लगता था, अब जो डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं वो 1 करोड़ तक की रकम के आप डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर के लेकर 15 करोड़ तक के केसेस जो है वो आप स्टेट में फाइनल कर सकते हैं, और 15 करोड़ से ऊपर के क्षति के कोई भी केसेस हैं तो वो आप नेशनल में फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से और एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया है जो है इन्वेस्टिगेशन सेल मीडिएटर के तौर पर। पहले के कानून में ये हुआ करता था कि आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया है, कंज्यूमर कोर्ट से उनको नोटिस जाएगी, वो नोटिस के बाद में सामने वाला आपकी केस का जवाब देगा, फिर वो कंज्यूमर कोर्ट में हाजिर होगा। अब जो है वो इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था बिठाई जा रही है कि आप इस प्रकार की एक जो मीडिएटर एजेंसीज बनाई जाएगी, आपका केस जो है वो मीडिएटर एजेंसीज को फॉरवर्ड किया जाएगा, मीडिएटर एजेंसी उस केसेस पर फाइंड आउट करेगी, उस पर वर्कआउट करेगी, आपके केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, और फिर अगर उनको लगता है कि ये चीज जो है वो रिजॉल्व नहीं होने वाली है तो उन केसेस को कोर्ट में फॉरवर्ड करेगी। इससे फायदा ये होगा कि कंज्यूमर कोर्ट में नॉर्मली तो 6 महीने का ही ड्यूरेशन होता है किसी भी केस को फाइल क्लियर करने के लिए, लेकिन कंज्यूमर डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं यानी कि जो जज होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं। केसेस का बर्डन इतना अब बढ़ता जा रहा है कि पहले के मामले में ऐसा होता था कि कंज्यूमर के केसेस जो हैं वो साल के 2000-3000 फाइल होते थे, अब की कंडीशन ये है कि कंज्यूमर केसेस मंथली 6000 से 12000 तक के केसेस फाइल होते हैं। अभी भी 12000 से भी ज्यादा केसेस की फाइलिंग जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई, जिनको जल्दी से फास्ट ट्रैक पर क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन व्यवस्थाओं से, जैसे कि हमारी एक एनजीओ हो गई, तो हम भी नॉर्मली इसी प्रकार से काम करते हैं कि अगर किसी प्रकार का केस है, आप किसी प्रकार से आपके साथ में किसी प्रकार की चीटिंग की गई है, आप उस चीटिंग से संतुष्ट, मतलब आपके साथ जो चीटिंग की गई है आप उस दुकानदार से संतुष्ट नहीं है, आपको नहीं पता है कि कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे अपनी फाइल को प्रोसेस करना है, तो आप हम जैसी
एनजीओ के पास में आ सकते हैं, हम आपके केसेस को स्टडी करते हैं, सामने वाले को आपकी नोटिस बजाते हैं, हम उनको बुलाते हैं अपनी बात रखने के लिए, आपकी भी बात सुनी जाती है। अगर हमें लगता है कि आपकी बात में वजन है और सामने वाला आपके केस को नहीं करने में सक्षम नहीं है तो हम आपके केसेस को कोर्ट में फाइल करते हैं। तो ये थे कंज्यूमर में 2019 और 1986 के बीच के डिफरेंस की बात। अब मैं आपके सामने कुछ केस स्टडीज रखने जाऊंगा। ये हमने कानून के बारे में बात की, अगर इन कानून के संबंधित अगर किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो वो मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, वंदना मैम उन क्वेश्चन को नोट करेगी और आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर सेशन इन मामलों पर करेंगे। क्योंकि केस स्टडी में आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं ज्यादातर आपको स्लाइड्स बताने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, क्योंकि स्लाइड्स बताने में ऐसा होगा कि मैं वो पढ़ूंगा और उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा तो आप रियलिटी भी नहीं जान पाएंगे और आप बोर हो जाएंगे। केस स्टडी से डायरेक्ट मैं आपके पास इसलिए लाना चाहता हूं कि कहीं जगहों पर केस स्टडी से आपको एक एक्सप्लेनेशन क्लियर मिलेगी। सबसे पहले जो मैं आपसे लेके जा रहा हूं वो है रियल एस्टेट की केस स्टडी। ज्यादातर चीटिंग फाइंड की जाती है रियल एस्टेट्स के अंदर कि एक बिल्डर जो है वो अपनी एक सोसाइटी या अपना एक कॉम्प्लेक्स या अपनी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है, जब वो अपना ब्रोशर डिक्लेयर करता है तब उसमें वादों की एक बड़ी सी लड़ी लगी होती है। उन वादों में हम देखकर, उन बातों में हम आकर हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। उस प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद में हम जब रियलिटी ऑफ चेक पर फैक्ट पर आते हैं तो जितने वादे उन्होंने किए हैं उन सभी वादों से वो विपरीत होता है। आप में से कई लोगों ने रेरा शब्द सुना होगा और कहीं प्रॉपर्टीज पर अब तो मतलब कि हर प्रॉपर्टी पर हर न्यूज़पेपर ऐड के अंदर रेरा नंबर डालना जरूरी है। तो वो रेरा क्या है? रेरा जो है वो एक रेगुलेटरी एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया है एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी के तौर पर। बिल्डर जब नॉर्मली हमसे एडवांस लेते हैं या जब हमसे काम लेते हैं, हम अपना मकान सपनों का बुक करवाते हैं, तब वो हमें ये वादा करते हैं कि हम आपका मकान 2 साल में 3 साल में हम आपको मकान पूरा कर दे देते। अब तक ये होता आ रहा था कि मकान हमें ना तो 3 सालों पर मिलते थे ना वादों के टाइम फ्रेम पर मिलते थे। मकान अगर मिलते थे और रहने आ गए तो आधे वादे पूरे किए हुए थे, बाकी के वादों को या तो हमें बुला दिया जाता था, समय निकल जाने के बाद भी हम भी ये सोचते थे कौन लड़ेगा कौन बोलेगा और हम उन चीजों को छोड़ देते थे। अब ये रेरा कानून आने के बाद में किसी भी बिल्डर को, निर्माणकर्ता को अपनी प्रॉपर्टी को सबसे पहले रेरा में पास कराना होगा कि वो जिन वादों को रख रहा है उन वादों को वो किस प्रकार से पूर्ण करेगा। जैसे कि जिम का वादा किया जाता है, स्विमिंग पूल का वादा किया जाता है, आपसे सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम की बातें होती है, कहीं जगह देखा गया कि 1-2 कैमरा लगा के आपको बोल देते हैं कि हमने आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कर दी है, लेकिन जब हम घर लेने गए होते हैं तब हमें यह बताया जाता है कि आपके हर कॉम्प्लेक्स के जोन में विंग में हम कैमरा लगाएंगे, हम वॉचमैन रखेंगे। धीरे धीरे ये चीजें भूलती जाती है, चीजें निकल जाती है। अब रेरा में इन सभी चीजों का आपको प्रूफ, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने वादा किया है कि 3 साल में मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा तो उस बिल्डर को 3 साल में किसी भी प्रकार से उस प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना होगा और रेरा एजेंसी से उसको पास करवाना होगा कि हमने पास कर दिया है, हमने जितने वादे किए थे उन सभी वादों को हमने रख दिया है और एक सेटिस्फैक्ट्री नोट जिनको मकान बेचा है उनका इकट्ठा करके उनको रेरा में सबमिट करना होता है। अब इस रेरा कानून के अंतर्गत अगर बिल्डर को ऐसा लगता है कि 3 साल में किसी भी कारण से वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर से रेरा की परमिशन लेनी होगी कि मुझे इस प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन को कंप्लीट करने में मुझे इतना समय लगेगा, और रेरा जो है वो डिसाइड करेगा कि कितना कंपनसेट जो है वो जिन्होंने आपके मकान ले लिए है, जिन्होंने आपको अमाउंट दी है उनको देना होगा। हाल ही में 4 दिन पहले गुजरात रेरा ने कम से कम 14 बिल्डरों को इस प्रकार से नोटिस दी है और फैसला दिया है कि जिन्होंने अपने टाइम पर अपने मकान को पूरा नहीं कर पाए थे उनको, किसी को 1,00,000 रुपए का फाइन किया गया, किसी को 2,00,000 रुपए का फाइन किया गया, जिनके मकान थे जिनको 2 साल ज्यादा निकाल दिया, 3 साल को बोल के 5 साल निकाला है, तो वो 2 साल की अमाउंट जितनी भी थी उस अमाउंट का गवर्नमेंट के डिसाइडेड परसेंटेज के बेसिस पर 18% NM के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करवाया था।
अगर मकान लेने के बाद भी आपको किसी प्रकार की क्षति दिखती है या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो लिया मकान है वो आपके हिसाब से नहीं है, जो अमाउंट आपने पे की है उसके हिसाब से नहीं है, तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में केस जाने के लिए दो प्रोसीजर्स आपको करनी होती है। एक तो आपको कंज्यूमर डिपार्टमेंट में आपके साथ में जो भी वाक्य हुआ है उस वाक्य को आपको एक पीस ऑफ पेपर पर स्टोरी राइटिंग की तरह आपके साथ हुए पूरे वाक्य को लिखना होगा। या तो आप कंज्यूमर डिपार्टमेंट की डिक्लेयर की गई हुई हेल्पलाइन पर आप जाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं, या आपके नजदीकी किसी भी फॉरम के अंदर जाकर आप केस फाइल कर सकते हैं। एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप कर उसके साथ में आपको जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना होगा। एक चीज जान के आपको बेहद हैरानी भी होगी और आप ये भी सोचेंगे कि उन चीजों को हमने कभी सोचा नहीं है और निग्लेक्ट करके छोड़ दिया। आप एक इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस हम किस लिए लेते हैं? हमारी सेफ्टी के लिए, कि आने वाली जिंदगी में अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उस चीज का मेरे परिवार को किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, कि मेरे पीछे परिवार को किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी हो, उसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। उस इंश्योरेंस की कॉपी को हम बड़ा संभाल के रखते हैं। एक कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्या है? जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे तो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? वो है आपका बिल। हम ज्यादातर केसेस में कुछ पैसा बचाने के लिए या तो या हम उन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं कि आप ये पीस ऑफ पेपर किस काम पे आएगा, उसको हम क्रश कर फेंक देते हैं। पर जब आपको ये लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है और कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाना है, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपका पीस ऑफ पेपर, आपका इंश्योरेंस, यानी कि आपका बिल। वो बिल तो हमारे पास है नहीं। हम गैस सिलेंडर खरीदते हैं, उस गैस सिलेंडर के साथ में भी हमें इंश्योरेंस मिलता है। उस गैस सिलेंडर को हमने लिया है, कल को गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है, किसी प्रकार से कोई क्षति होती है, गैस सिलेंडर लेते समय उसमें लीकेज का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो आपके परिवार को एक इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। उस इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए भी आपके पास क्या होना जरूरी है? आपका बिल। आप जो एटीएम यूज करते हैं उस एटीएम के साथ भी आपको एक एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिलता है। आपके साथ में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट होने पर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस 1,00,000 रुपए तक का हर बैंक आपको देती है। हम क्या करते हैं? इन चीजों को हमने कभी जाने की कोशिश ही नहीं की है। हमारी डे टू डे रूटीन में इसको लाने की हमने कभी फुर्सत नहीं की है। कई केसेस में ऐसे होते हैं कि जिनके पास किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उन केसेस में, एक्सीडेंशियल केसेस में, हमें बैंक द्वारा दिए गए एटीएम का इंश्योरेंस हमें मिल सकता है। हमारे एक बैंक अकाउंट के साथ में भी हमको एक इंश्योरेंस मिलता है। उस इंश्योरेंस के बेस पर हमारे साथ में हम हमारे परिवार को पीछे सुखी जीवन दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में हर कोई सिक्योर्ड नहीं है, हर किसी ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। आपने और हमने जरूर इंश्योरेंस लिया होगा, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय है तो हमने हमारा फैमिली प्लानिंग आगे का करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसे कई वर्ग है जिन्होंने किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो उन्हें इस प्रकार के इंश्योरेंस क्लेम से बेनिफिट्स मिल सकता है। तो ये बात थी एक बिल्डर के केसेस के मामले में। अब मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा जो लॉकडाउन में ज्यादातर जगहों पर हुई थी। हमारे पास में एक कंप्लेन आई थी, एक ऑनलाइन पोर्टल से ब्रेड का पैकेट खरीदा गया था। उस ब्रेड के पैकेट के साथ में छेड़खानी की गई थी। जो ब्रेड लिया गया था वो ब्रेड ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था। बेचने वाले ने उस ब्रेड के पैकेट पर जहां एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी, उस मैन्युफैक्चरिंग डेट को रब कर दिया और उसे बेच दिया। जब ऑनलाइन पर कंप्लेन की गई कि जो पैकेट मैंने खरीदा है, हम ज्यादातर आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो 90% ऑफ केसेस में मैं बैट मारकर कह सकता हूं कि हम कभी भी प्रिंटेड पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हम कभी नहीं देखेंगे। कितने लोग आइसक्रीम खाते हैं तब उस पर एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं? ज्यादातर केसेस में ना, कि हम जो बाहर से पैकेट ऑफ आइसक्रीम लाए हैं हमने उसकी किसी प्रकार की एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग चेक नहीं की।
चॉकलेट जो हम परचेज करते हैं उसमें हमने ज्यादातर नहीं देखा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है या एक्सपायरी क्या है। जो बच्चा हमारी जान से प्यारा है, जिसे हम जो बिस्किट खिला रहे हैं, हमने कभी चेक नहीं किया है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या और एक्सपायरी क्या है। हम दवाई लेने जाते हैं जो हमारे आरोग्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जो हमें जिंदगी दे भी सकता है और जिंदगी ले भी सकता है, उन केसेस में भी 90% केसेस में हमने कभी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक नहीं किया। कई जगह पर आप लेने जा रहे हैं दवाई और आपको बोल देंगे कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक महीना तो बाकी है एक्सपायरी, आप अभी तो कंज्यूम करने वाले हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मैं सारी दवाई आज ले लूंगा या मैं कल नहीं लूंगा। तो जब भी आप कोई चीज खरीदे तो सबसे पहले नजर डालिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी क्या। तो इस केस में ऐसा था कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ऐसा बोला कि ये तो सामने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉब्लम है कि ये प्रिंट उनसे निकल गई होगी, लेकिन जिस प्रकार का ब्रेड था उस प्रकार से वो क्लियरली था कि उस पर फंगस लगा है, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। जो कंप्लेनर है उसने उस ब्रेड का फोटो खींचा, उस पैकेट का फोटो खींचा, तीनों तरफ से फोटो लेकर और उसको हमें ट्विटर पर टैग किया। जैसे ही ट्विटर अकाउंट पर हमारे पास कंप्लेन आई, हमने उस कंप्लेन को मैन्युफैक्चरर्स को टैग किया और आप नहीं मानेंगे, 2 घंटे में जिस इंसान ने इस चीज को ऑनलाइन पोर्टल से बेचा था उसने अपनी गलती मानकर उस पैकेट को रिप्लेस किया, न कि रिप्लेस, 2,000 रुपए का कंपनसेशन देने के लिए हमने उनको कहा कि आपकी वजह से जो मेंटल प्रॉब्लम इनको लेनी पड़ी, आपकी वजह से ट्विटर पर बैठे अपने 2 घंटे का समय उन्होंने इन्वेस्ट किया, 2 घंटे वो हमें ढूंढे, हमने मैन्युफैक्चरर को ढूंढा, मैन्युफैक्चरर को आपकी कंप्लेन भेजी, तो ये जो 2 घंटे व्यर्थ गए उसका कंपनसेशन आपको बायर को देना होगा, वो दिया। कंज्यूमर फॉरम में भी यही चीज है, जब आप किसी प्रकार की कंप्लेन लेके जाते हैं तब आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने साथ में हुए व्यवहार में किसी प्रकार के मेंटल हरेसमेंट की कोई राशि मांगना चाहते हैं, उसमें आप अपनी रकम बता सकते हैं। अब उस केस में ऐसा नहीं है कि आपने 5 रुपए की चीज ली और आपने लिख दिया कि मुझे तो 5 लाख का कंपनसेशन चाहिए, लिख लेने से कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन जो है वो फोरम का प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि किस प्रकार की मेंटल हरेसमेंट आपके साथ हुई है, किस प्रकार का आपका टाइम व्यर्थ गया है, कितना आपका समय इन्वेस्ट हुआ है, उस प्रकार पर जो जज होंगे कंज्यूमर डिपार्टमेंट के वो उस सामने वाली व्यक्ति को फाइन भी करेगा और जो बायर है उसे कंपनसेशन रकम देने के लिए कहा जाएगा। आप सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने जाते होंगे, ज्यादातर हम सभी गए हैं, आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि पहले जब हम सिनेमा हॉल्स में जाते थे तब पीने की व्यवस्था का कोई बोर्ड मारा नहीं हुआ होता था, किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं था कि यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था है। अब आपको ज्यादातर सिनेमा मॉल्स में एक बोर्ड मारा हुआ दिखेगा, किसी कोने में आपको पीने की पानी की व्यवस्था भी दी जाएगी और वहां से आप पानी पी सकते हैं। सिनेमा मॉल में पहले आप खाने की आइटम नहीं ले जा सकते थे, आज के कानून के मुताबिक आप सिनेमा मॉल में अपनी खाने की आइटम्स ले जा सकते हैं अगर आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है तो। सिनेमा मॉल का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड आपको इन चीजों के लिए मना नहीं कर सकता, उसका रीजन है कि राइट टू चूज। आपको किसी भी प्रकार की चीज खरीदने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। आपको खाना ले जाने के लिए या पीने की पानी की बॉटल ले जाने के लिए यदि आपको कोई मना करता है तो आप सीधा मेरा संपर्क करना, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कानून क्या कहता है, 1986 का कानून, 2019 का कानून। कानून ये कहता है कि आप किसी भी कंज्यूमर के साथ में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि अगर मैं अपना पानी का बॉटल अंदर लेके नहीं जा सकता हूं तो मुझे आपकी 50 रुपए की पानी की बॉटल खरीदनी होगी, तो मुझे राइट टू चूज तो मिला ही नहीं, मैं अपने अधिकारों से वंचित हूं। बड़ौदा के ही एक बड़े सिनेमा गृह को सिर्फ 5 रुपए की झगड़े के लिए 50,000 रुपए का कंपनसेशन जो है वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट को देना पड़ा और 5,000 रुपए जो है जो कंप्लेन करता था उनको दिया देना पड़ा। रीजन सिर्फ यही था कि उन्हें पानी की बोतल ले जाने से अंदर मना किया गया। पीने के पानी की व्यवस्था चाहे वो छोटा दुकानदार हो, छोटा रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, बड़ा होटल हो,
उनको आपको फ्री में पीने की पानी की व्यवस्था देनी हो। कई जगह पर ऐसा होता है कि हमने खाना खा लिया, ज्यादातर पर फूड वैन्स जो खड़ी होती है, उन फूड वैन्स पर हम जब नाश्ता कर लिया, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में उनके यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। शुद्ध पानी का जल देना ये उनकी नैतिक जवाबदारी है, ये हमारे दिए गए अधिकारों में से एक है सेफ्टी के अंतर्गत, कि उन्हें पीने की पानी की व्यवस्था हमें देनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं और आपसे वो ये कहता है कि आपको पानी की बॉटल खरीदनी होगी, आप संपर्क कीजिए हमारा, आप सामने वाले से बिल मांग लीजिए, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। आप लोग ज्यादातर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में पानी का बॉटल लेते हैं, ट्रेन में पीने के पानी की बॉटल की कॉस्ट बाहर बिकने वाले पानी की कॉस्ट से अलग होती है। बाहर एक पानी का बॉटल आपको 20 रुपए में मिल रहा है, तो ट्रेन में आपको एक पीने के पानी की बॉटल 15 रुपए में ही मिलेगी। कोई आपसे ये कहकर 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले सकता कि हम बड़ा सा फ्रीजर रख रहे हैं, वो फ्रीजर का कॉस्ट जो है वो आपसे वसूल करेंगे और 15 की जगह पर आपको 20 रुपए का पानी देना पड़ेगा। IRTC को पिछले 5 सालों में ऐसे 11 केसेस के अंदर कंज्यूमर फोरम से फाइन दिया गया है, जिनमें ट्रेन में बेचने वाले उनके जो वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर्स जो हैं पानी के बॉटल के 15 रुपए की जगह पर 20 रुपए उनसे चार्ज कर। एक कंप्लेन तो मैंने खुद ने फाइल की है और मैंने 5 रुपए के पानी के डिफरेंस के बदले में 5,000 रुपए सरकार से मुआवजा पाया। सरकार ने मुझे मुआवजा दिलवाया 5,000 रुपए का। मैंने मना कर दिया देने से कि मैं आपको ये 5 रुपए ज्यादा क्यों दूं। एक और चीज, ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तब हम ट्रेन में खाना मंगवाते हैं, उस खाने का हम बिल मांग सकते हैं, जो वेंडर है जो मैनेजर है उनसे मेन्यू कार्ड मांग सकते हैं। ट्रेन का अपना फिक्स किया हुआ एक मेन्यू कार्ड है, उस मेन्यू कार्ड के मुताबिक अगर आप देखोगे तो जो प्लेट आप खरीद रहे हो उस प्लेट की कीमत सिर्फ 90 रुपए के आसपास बनेगी। आपसे लिया कितना जाता है, 100 रुपए, 110 रुपए। आपसे जो ट्रेन में बुकिंग करने आया है, आप उनको बोलिए कि भैया आप हमें आपका मेन्यू कार्ड लाके दीजिए, उस मेन्यू कार्ड के मुताबिक जो भी रकम होगी वो रकम मैं पे करूंगा। वो आपसे आनाकानी करेगा, आपसे झगड़ा करेगा, आपसे दादागिरी करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो स्मार्टफोन हमें दिया गया है, जिस फोन का उपयोग हम पूरे दिन सोशल मीडिया के उपयोग में लेते हैं, आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना, ट्विटर हम में से ज्यादातर लोग यूज करते होंगे, उस ट्विटर पर आप चले जाइए, आप रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे डिपार्टमेंट को आप टैग कर दीजिए, आप नहीं मानेंगे, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक घंटे के अंदर न्याय दिलाया जाएगा। आप इस स्टेशन से अगले स्टेशन पहुंचोगे तब तक आपको न्याय मिल जाए। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। किसी को भी अधिकार नहीं बनता है कि वो एक कंज्यूमर के द्वारा लिखी हुई MRP पर किसी प्रकार के डिस्काउंट मांगने से मना कर दे। आप किसी चीज की फूड प्रोडक्ट परचेस करने गए हैं, MRP लिखी है 90 रुपए, तो कोई आपसे 90 के 95 नहीं मांग पाएगा, कोई आपसे 90 के 100 नहीं मांग पाएगा। आपको अधिकार है कि आप सामने वाली व्यक्ति से कहें कि सर MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये कोई निश्चित नहीं हो गया है कि वो चीज मुझे 90 में ही मिलेगी। 90 में कितने ही प्रॉफिट शेयरिंग्स होते हैं, हर एक को अपना एक कमीशन मिलता है, एक अमाउंट मिलती है। 100 रुपए की चीज है तो रिटेलर के पास में 90 में आई है तो आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन करना भी आपके राइट टू चूज के अधिकार के अंतर्गत आता है। बार्गेन करने में आप महिला हैं माहिर हैं, लेकिन आपके साथ में होता यह है कि आप जब भी बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला आ रहे, नहीं बहन जी आप बार्गेन कैसे कर रहे हैं, इस पर तो लिख दिए MRP, तो आप उनसे कह दीजिए कि MRP लिखने पर आप सरकार तो नहीं हो गए और सरकार और कानून से बड़े तो हो नहीं आप। MRP का मीनिंग क्या है, आप सिर्फ इतना मुझे डेफिनेशन बता दो, मैं आपसे MRP की कोई बार्गेनिंग नहीं मांगूंगी। MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इतने तक की ही रकम आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हमारी लड़ाई चालू है, हमने ऐसी बहुत सी PI फाइल की हुई है जिन पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि पीने का पानी। किसी मॉल में पीने का पानी जो है वो 50 रुपए की कीमत पर मिल रहा है, वही पीने के पानी का बॉटल जो है वो बाहर आपको 20 रुपए में मिल रहा है।
वही पीने का पानी का बॉटल जो है वो आपको रेलवे में 15 रुपए में मिल रहा है, किसी बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर पीने के पानी के बॉटल का चार्ज MRP लिखा है 20 रुपए और आपसे वसूल किए जा रहे हैं 25 रुपए। अब मैं आपको और एक चीज बताऊं मजेदार, जैसे कि आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी आप देखेंगे कि आपने माजा या कुछ मंगवाया है और अगर पैक्ड बॉटल आपने मंगाई है उस पैक्ड बॉटल पर MRP लिखी हुई है 25 रुपए पर आपसे वो चार्ज कर रहा है 50 रुपए। वो आपसे यह कहेगा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपने हमारा ये जो हमारा सेटअप है उसका आपने उपयोग किया है, उस उपयोग का चार्ज हम आपसे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने दूसरी खाने की चीजों के साथ में अगर आपने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है और वो बॉटल में आपको सर्व की गई है तो वो आपसे वही चार्ज ले पाएगा जो उस बॉटल पर MRP फिक्स की गई है। लेकिन वही चीज अगर आपने सिर्फ पीने की वो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है या सिर्फ पीने का बॉटल लिया है, आपने उसकी चेयर का उपयोग रेस्टोरेंट पर बैठ के किया है और उस चीज को तोड़कर उन्होंने ग्लास में अगर सर्व किया है तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है, लेकिन उन चीजों को उनको अपने मेन्यू कार्ड पर मेंशन करना हो। अगर मेन्यू कार्ड पर इन चीजों का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है तो वो आपसे एक भी रुपए एक्स्ट्रा मांगने का अधिकार नहीं रखता। रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, आपको खाने का टेस्ट सही नहीं लगा, आप उठकर चले गए, आपने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और हम ये सोचते हैं कि कौन लड़ेगा, कौन चिल्लाएगा, कौन बोलेगा, चले गया। आपने अगर खाना खाया है और वो खाना का टेस्ट आपको पसंद नहीं आया है, आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो। आपने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया है आप उनसे कह सकते हो कि मुझे जो खाना खाया उसका पैसा वापस चाहिए, क्योंकि जो खाना मैंने खाया है वो आपके बताए गए स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता है, आपका टेस्ट सही नहीं है या आपकी उपयोग गई चीज जो है उनको खाने के बाद में मेरे हेल्थ में किसी प्रकार का भी डिफरेंस है, तो आप उनसे उन पैसों की मांगनी वापिस कर सकते हो। यू कैन आस्क फॉर अ रिफंड। किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तो आप उनका किचन जो है वो देख सकते हो और चेक कर सकते हो। अब नए कानून के अंतर्गत किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक को, किसी भी होटल के मालिक को ये अधिकार नहीं बनता है कि उसके रेस्टोरेंट पर वो बोर्ड लगाए नो एंट्री या एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। ये बोर्ड अब कोई भी रेस्टोरेंट वाला नहीं लगा सकता। अगर आपको इस प्रकार का कोई बोर्ड लगता है आप उसका फोटोग्राफ ले लीजिए या तो छोटा सा वीडियो ले लीजिए। वीडियो लेने से पहले आप सामने वाली व्यक्ति को कह दीजिए कि मुझे पता है कि ये आपकी प्राइवेट प्रेमाइसिस है लेकिन मेरे दिए हुए अधिकारों के साथ में खनन हो रहा है इसलिए मैं इसका वीडियो उतार रहा हूं। उस वीडियो को लेते समय यदि आपने उनके साथ किसी प्रकार की भी उग्र व्यवहार नहीं किया है तो सामने वाले को अधिकार नहीं बनता कि आपको किसी प्रकार से मना कर, क्योंकि सिविल कानून ये कहता है कि आपको किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी प्रकार की अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो जिसके मकान में आप खड़े हैं उनकी परमिशन आपको अनिवार्य है। लेकिन कंज्यूमर कानून ये कहता है कि अगर आपके किसी प्रकार का आपके साथ में अन्याय हुआ है तो आप उसका प्रूफ बनाने का अधिकार सबसे पहले रखते हैं। अगर आपके पास में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का अगर आपसे वो उपद्रव व्यवहार करता है तो अगेन आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान में गए हैं, आपने किसी प्रकार की कपड़ों की खरीदी की है, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई और आपने आखिरी में छोड़ दिया, आपने वो चीज परचेस नहीं की है, दुकानदार ऐसे केसेस पर आप पर भड़क पड़ते हैं कि मैडम जब आपको चीज नहीं लेनी थी तो इतनी चीज खुलवाई क्यों आपने, आपने इतना क्यों किया, अब आपको लेना ही पड़ेगा, अब आपको हमसे कोई चीज परचेस करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार के आपके साथ हुए अन्याय का आप विरोध कर सकते हैं और उस विरोध को आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी दुकानदार को या किसी भी विक्रेता को यह अधिकार नहीं बनता है कि वो आपके साथ में किसी भी प्रकार का उपद्रव व्यवहार करे। तो ये था कंज्यूमर कानून। कंज्यूमर कानून का सब्जेक्ट एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एक इतना बड़ा समुंदर है कि अगर मैं कई घंटों तक आपके साथ बैठूंगा तो भी मैं इस कानून को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इस कानून के बारे में जो हमने सीखा और जाना है वो यही है कि आपको दिए गए 6 अधिकारों के बारे में, यानी कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू रीएड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू चूज, इन सभी चीजों आपको ध्यान रखना है। आपको देश की ताकत बनना है, आपको
नारी शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास में इस प्रकार की ऊर्जा है कि आप चाहें उसका परिवार बना सकते हैं, और अगर ये आप रण में उतर आए तो सामने वाले का घर बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपके साथ में अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है तो अब आप आवाज उठाइए। हम अपने साथ होने वाले अन्याय को ये बोलकर छोड़ देते हैं, छोड़ना यार 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए या चंद रुपए के लिए कौन झगड़ेगा, कौन बोलेगा। लेकिन अगर हम इन चीजों पर कौन बोलकर छोड़ देंगे तो हमारे लिए भी कौन लड़ेगा, किसके पास इतना समय पड़ा है कि वो आपके लिए लड़ेगा। मैं आज कुछ समय के लिए आपको बोल दूंगा, कुछ समय के लिए आपको समझा दूंगा, आपको कुछ समय अच्छा लगा और थोड़े दिनों के बाद फिर वापिस आप उसी डिपेंडेबल लाइफ पे। छोड़ना अगर कोई करता है तो उसको करने देना, वो करेगा तो उसका बेनिफिट मुझे तो मिलेगा। लेकिन इस देश के नागरिक होने का आपने कौन सा हक जो है वो अदा किया है? आपके आसपास में होने वाले अन्याय को भी आप इस प्रकार में कहकर छोड़ देते हैं, छोड़ना ये मेरा मैटर नहीं है, मैं बीच में क्यों बोलूं, छोड़ना इससे मेरे परिवार को कोई लेना देना नहीं है, मेरे परिवार को क्षति नहीं पहुंची है तो मैं क्यों इंटरेस्ट लूं। लेकिन जब आपके परिवार में आपके साथ में किसी प्रकार की अगर चीटिंग होती है तो कोई आपकी आवाज क्यों बनेगा? और ज्यादातर यही हो रहा है, जो आपकी आवाज बनकर बैठे हैं आज वही हमारी आवाज दबाने के लिए बैठे हुए हैं। हम अपनी आवाज उठा नहीं सकते, हम अपनी आवाज बुला नहीं सकते। मैं किसी भी सरकार का खंडन नहीं करता हूं, मैं किसी भी नेता का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे अधिकारों का झंडा लेकर खड़ा हुआ जाता है लेकिन जब हमारा समय और वक्त आता है तब हमें पीठ बताकर छोड़ दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि हमने कभी अपनी फिंगर इस प्रकार से रेज नहीं, इस प्रकार से रेज किए। और हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में आपका काम तभी होगा जब आप अपनी फिंगर इस प्रकार से रेज करेंगे। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके सवाल का जवाब कौन देगा? और अगर सवाल पूछने पर अगर कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है या आपको किसी प्रकार से निग्लेक्ट कर रहा है तो उसको सबक कौन सिखाएगा? ये काम भी आपका है, ये आप ही का अधिकार है। जिस प्रकार से आप घर सुंदरता से चला रही हैं, अब समय आया है कि अब आप देश और अपने परिवार के अधिकारों को भी आप सही रूप से, पूर्ण रूप से इस देश में लागू करवा। सबसे बड़ी लड़ाई है वो है कंज्यूमर की लड़ाई। हर प्रकार की लड़ाई हमारे देश में लड़ ली जाती है लेकिन बात जब कंज्यूमर की लड़ाई की आती है तब उसे छोड़ दिया जाता है। एक राष्ट्रपति भी तो एक कंज्यूमर है, प्रधानमंत्री भी कंज्यूमर है, एक छोटे से मध्यम वर्ग का परिवार का व्यक्ति भी एक कंज्यूमर है और छोटी सी लाइन में पुअर लाइन पर जीने वाला इंसान भी एक कंज्यूमर है। लेकिन हमने सवाल पूछना छोड़ दिया। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब कंज्यूमर कानून के अंदर 2019 में स्पॉट फाइन के भी ऑप्शंस हैं कि अगर सरकार को या कंज्यूमर कोर्ट में किसी प्रकार का लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है तो स्पॉट फाइन भी दिया जाएगा। अब कंज्यूमर कानून में यानी कि 1986 के कानून में किसी प्रकार के सजा देने का प्रावधान नहीं था, यानी किसी को प्रिजन नहीं दे सकते थे, उनके लिए उनको सिविल कोर्ट में केस को फॉरवर्ड किया करना पड़ता था। अब आपके हेल्थ के साथ में किसी भी प्रकार का इश्यू बनता है तो वो कंज्यूमर कानून के अंदर एक बहुत बड़ा गुना है और उसके अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट अब लाइफ टाइम प्रिजर्वमेंट की भी पनिशमेंट दे सकता है। अब नए कानून के प्रावधान के अंतर्गत अगर जज को ये लगता है कि ये बहुत बड़ा कंज्यूमर के कानून का हनन किया गया है तो 7 साल से लेकर लाइफ टाइम प्रिजर्वमेंट की भी सजा जो है वो एक जज दे सकता है कंज्यूमर कोर्ट का। अब कंज्यूमर कोर्ट एक प्रकार से फ्री कोर्ट के तौर पर काम करेगा, जो सिविल कोर्ट काम करती है उसी प्रकार से अब कंज्यूमर कोर्ट भी काम करेगा। कंज्यूमर कोर्ट की एक अपनी अब एजेंसीज होगी जो सर्वे करेगा। आपको जान के ये भी एक बड़ा आनंद होगा कि कंज्यूमर कोर्ट में पहले पीआईएल फाइल नहीं की जाती थी। पीआईएल इन द सेंस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी कि अगर आपको आपके आसपास की किसी भी चीज पर की हो रही कार्यवाही में आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, कंज्यूमर के कानून के अंतर्गत ये उनके हकों का अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप खुद भी एक पीआईएल डाल सकते हो। जैसे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली जाती है वैसे अब कंज्यूमर कोर्ट में भी पीआईएल डाली जा सकती है। हम ऐसी पीआईओल्स पर वर्कआउट करते हैं, हम आपके साथ होने वाले अन्यायों को स्टडी करते हैं और अब हम उनको पीआईएल के तौर पर
देश के सामने, सरकार के सामने लाएंगे कि इस कानून के साथ देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। इस कंज्यूमर कानून के 2019 के और ऐसे बहुत से फायदे हैं। मैं सुपर मॉम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अलग से सेशन और रखा जाए, क्योंकि समय हम दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और 2019 का कानून जो है वो काफी डीप लॉ है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में इतना जान लीजिए कि ये कानून तभी सही मायने में सही है जब आप इन पर सवाल जवाब करना चालू करेंगे। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक देश में बनाए गए सारे कानून किसी काम के नहीं। आप जो खाना खा रही हैं, आपके पास जो मसाले आ रहे हैं, उन पैकेट्स में भी बड़ी मात्रा के अंदर मिक्सिंग किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जो फूड पैकेट आपने परचेज किया है इसके अंदर किसी प्रकार का मिक्सिंग किया गया है, तो आप अपनी आवाज उठाइए, कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कीजिए। लेकिन याद रखिए कि कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है वो है आपका बिल। जब तक आप बिल को संभाल कर नहीं रखेंगे, आप अपना हक यानी कि बिल नहीं मानेंगे, तब तक कंज्यूमर कोर्ट पर आप कुछ भी साबित नहीं कर पाओ। तो आपके लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर ही आपके अधिकारों का सबसे बड़ा इंश्योरेंस अगर कोई है तो वो है आपका बिल। आप सामने वाले से कहिए कि भैया जो भी टैक्स बन रहा है वो आप लीजिए, लेकिन बिल तो आप मुझे पक्का ही दीजिए। हम वो 5% 18% टैक्स के लिए जो कालाबाजारी देश में बढ़ रही है उसके सबसे बड़े हकदार भी तो हम ही हैं। हम ही उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बिल नहीं मांग रहे हैं। जो बिल नहीं मांगी गई रकम है वो काले धन के तौर पर हमारे देश पर घूम रही है। तो आप सोचिए कि ये कंज्यूमर का कानून जो है वो आपकी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। आप इन चीजों पर गौर करके अगर आज आप शाम तक को बैठोगी तो आप अपने आप को सबसे बड़ा गिल्टी पाओगी कि मैं इस देश के साथ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। देश को पीछे ले जाने के लिए सबसे बड़ा हकदार कोई है ना, तो वो आप और हम है, क्योंकि हमने कभी बिल नहीं मांगे। और जो बिल नहीं मांगने पर जो टैक्स की चोरी की गई है वो टैक्स का चोरी किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं हमारी अगेंस्ट यूज किया जा। तो बिल मांगिए, बिल 100 रुपए की रकम से ऊपर की हर एक चीज का आप बिल मांग सकते हैं। 100 रुपए से नीचे की अगर कोई चीज है तो आप उनसे बोलिए कि आप हमें लिखित लिख के दे दीजिए आपके स्टैम्प पेपर पर, आपके किसी भी एक प्रूफ पेज पर कि ये चीज हमने आपसे परचेज की। कोई चीज ऐसी है कि जिस पर बिल नहीं है तो आप उस पर वीडियो बनाने का रखिए कि कहीं आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो आप उसका वीडियो बनाए उस वीडियो को रिलीज कीजिए। क्योंकि जब तक आप किसी को शिक्षा नहीं देंगे, उनकी गलती का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक आप जैसी कहीं और बहन बेटियों के साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से और अन्याय चलता रहेगा। तो मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर पाऊं। आखिरी में एक चीज और ऐड करूंगा कि दिवाली की सीजन है, फेस्टिव सीजन है, हम सब बाजारों में मिठाई खरीदने जाएंगे, हम सब अपने लव वंस को स्वीट्स गिफ्ट करेंगे। आप जो स्वीट्स खरीद रहे हैं आप उन पर भी ध्यान रखिए कि उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर यूसेज का स्टिकर लगाया हुआ है कि नहीं। अब किसी मिठाई की दुकान में खुली मिठाई भी अगर बिक रही है तो उस खुली मिठाई पर भी उनको एक स्टैंडी के अंदर कब उन्होंने बनाया है और कब उसकी एक्सपायरी, ये उनको लिखना होगा। अगर किसी मिठाई की दुकान पर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार का कोई बोर्ड लगाया हुआ नहीं है, आप हमारा संपर्क कीजिए, या तो आपके नजदीकी FSSAI डिपार्टमेंट यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य खुराक विभाग गुजराती में अगर कहें, तो आप उनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अपनी रिटर्न एप्लीकेशन में डाल सकते हैं विथ अ प्रूफ फोटोग्राफ कि मैंने ये चीज यहां से खरीदी और उस मिठाई पर बेस्ट बिफोर यूज और मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि कब बनाया उसका बोर्ड नहीं लगाया हुआ। कहीं जगह पर इस प्रकार की प्रैक्टिस की जा रही है कि बेस्ट बिफोर तो लिख दिया बेस्ट बिफोर 4 days, पर आपको ये तो नहीं मालूम है ना कि वो बना कब था, कब से 4 दिन गिनूं मैं। आज से 4 दिन किसी भी दुकान में ज्यादातर फ्रेश बने हुई मिठाई नहीं रखी जाती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की मिठाई ही रखी जाती है। आप लूज पैक की मिठाई भी अगर ले रहे हो, किसी बॉक्स में पैक करवा रहे हो, तो आप उनसे कहिए कि भैया इस पर स्टिकर लगाइए आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी। आज ही हमारी CRO की पंजाब ने टीम ने
पंजाब के एक मोगा शहर में हमने एक मुहिम चलाई और उसमें एक बड़ी सी रेड हमने मारी। उस रेड में हमने जिस प्रकार से दो फैक्ट्रियों पर रेड डाली थी, उसमें एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर पेटे बनाए जा रहे थे मिठाई। मैं वो अगर वीडियो आपको दिखाऊं तो कल से आप वो मिठाई खाना छोड़ दो। आप ये सोचोगे कि किस प्रकार से इसको निर्मित किया जा रहा। तो अगेन राइट टू सेफ्टी, किस प्रकार से बना है, आपके खाने योग्य है कि नहीं, इसीलिए FSSAI डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टली हर रेस्टोरेंट और फूड मैन्युफैक्चरर से बोर्ड हटवा दिए हैं कि वहां आपको ये नहीं कह सकते कि इट विल बी कैलकुलेट एज अ ट्रेसपासिंग, आप अंदर नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका किचन किस प्रकार से है, किचन पूर्ण रूप से साफ है कि नहीं, किस प्रकार से खाना बनाने वाला आपके साथ खाना बना रहा है, हाथ में ग्लोव्स है कि नहीं, सिर पर टोपी है कि नहीं, ये सारी चीजों का आप भी ध्यान रखिए। और अगर किसी दुकानदार का ध्यान नहीं है तो आप भी उनसे प्यार से कहिए कि भैया कंज्यूमर एक्ट और FSSAI डिपार्टमेंट के अंतर्गत राइट टू सेफ्टी में हाथ में ग्लोव्स पहनना और सिर पर कैप पहनना, ये मेरे अधिकारों में से एक है। आपके बाल अगर मेरे खाने में आते हैं तो मैं उसे लकी चार्म करके छोड़ तो नहीं दूंगा कि चलो आ गया आज कुछ, लेकिन उसके साथ आई हुई कितनी बीमारियां हमारे साथ, तो ये आपके हेल्थ के साथ जुड़ा। ऐसी बहुत सी नई बीमारियां निकल रही हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी मॉम्स सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे और स्वस्थ रहें, और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप कंज्यूमर कानून के द्वारा दिए गए अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। अगर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप हम उस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वंदना मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आए हैं तो आप वो क्वेश्चन को चला लीजिए ताकि हम उस सेशन को आगे बढ़ा पाए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था अर्चना ईश्वर मैम की तरफ से, उन्होंने कहा कि स्कूल भी आजकल एक बिजनेस बन गया है, तो उनका एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, वो अगर ऑनलाइन है तो बता दें प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एकदम सही सवाल किया है कि स्कूल्स भी आजकल बिजनेस बन गए हैं, लेकिन कंज्यूमर कानून के अंतर्गत फीस लेने का जो डिसीजन है वो स्कूल्स और गवर्नमेंट का है। लेकिन स्कूल के अंदर जैसे कि प्लेग्राउंड का प्रॉमिस किया गया और प्लेग्राउंड नहीं दिया गया है, कोई भी स्कूल पास करवाने से पहले आपको एक प्लेग्राउंड होना स्कूल में जरूरी है। स्कूल में किसी प्रकार से अगर वॉशरूम क्लीन नहीं है तो वो आपके हक और अधिकारों में है। अगर स्कूल वाले आपके साथ किसी प्रकार का व्यवहार सही नहीं कर रहे और उसका रिकॉर्डिंग और प्रूफ आपके पास है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। परमिशंस आपको 50 स्टूडेंट्स की मिली है रूम की, और अगर आपके स्कूल के बच्चे की क्लासरूम में 60 रखे गए हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कानून के बनाए गए 2019 के कानून में स्कूल्स और हेल्थ के कुछ सेक्टर्स और कुछ पॉइंट्स को अलग किया गया है, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो एक एनजीओज रन होती है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से रन होती है। एनजीओ सिर्फ स्कूल के लाइसेंस के लिए है। बाकी आपका सवाल सही है कि स्कूल जो है वो आज की तारीख में अब एक विद्याधाम न रहकर सिर्फ पैसा बनाने की एक बड़ी इसकी मशीन की फैक्ट्री बन चुकी है। और आप और हम जैसे पेरेंट्स जिन्होंने सवाल पूछना छोड़ दिया है, इसलिए हम उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार से पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ी गई, उसमें हमारी भी संस्था ने इस लड़ाई को लड़ी थी। बहुत सी ऐसी चीजों पर हमने सरकार का ध्यान खींचा है। अगर कोई स्कूल आपको फोर्स कर रहा है कि आपको बुक्स उनकी स्कूल से लेना पड़ेगा तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल आपको फोर्स कर रहा है कि जूते आपको उनकी बताई प्लेस से ही लेना पड़ेगा तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, और उन केसेस पर कंज्यूमर डिपार्टमेंट हम जैसे एनजीओस आपके साथ लड़ने के लिए आएंगे। और कोई सवाल? बट कई स्कूल्स में ऐसा होता है, जैसे हलोल की बात करें तो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें ये स्टेशनरी से लेकर स्कूल की यूनिफॉर्म शूज वगैरह वो लोग बोलते हैं हमारे स्कूल की जो शॉप है उसी से खरीदना है आपको, और बुक्स आपको नहीं, तो आप बाकी आप उनसे मन आप बाकी स्टेशनरी में उनको मना नहीं है। इवन वंदना जी, ये हमारे देश में 90% स्कूल में यही होता है कि आप हमारे यहाँ से ही खरीदें,
अगर आपने कहीं और से खरीद लिया और टीचर्स को पता चल गया थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ उसमें, वो बोल देते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, बच्चों को रोज रोज स्कूल में हरेस किया जाता है फिर इस बात के लिए। आपकी बात एकदम सही है कि बच्चों को हरेस किया जाता है, पर वो चीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम पेरेंट्स ने कभी उस पर सवाल नहीं उठाया, हम पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आपको किसी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है कि आप मेरे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ में डिफरेंशिएट कर आप उसको इस प्रकार से इसलिए अरेस्ट कर रही हैं क्योंकि आपने उनकी सीट से स्कूल की परचेस नहीं की है। आप उसका प्रूफ इकट्ठा कीजिए और प्रूफ आप हमें दीजिए, हम लड़ेंगे आपके लिए, हम पेरेंट्स की आवाज बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो आगे आए। हमने पिछले साल एक रैली का आयोजन किया था और उसमें हमने पेरेंट्स से आह्वान किया था कि आप आगे आइए, आपके बच्चे के साथ अगर किसी भी प्रकार का स्कूल में कोई भी गलत काम होगा तो हम उनसे लड़ेंगे, हम स्कूल को कोर्ट तक लेके जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बड़ौदा की एक बहुत बड़ी स्कूल है उसमें आपकी जैसी कोई सुपर 5 मॉम्स हैं जिन्होंने स्कूल के निर्णय के सामने लड़ाई लड़ी, स्कूल ने उनके सामने पुलिस केस फाइल किया और पुलिस से लेकर कोर्ट तक ले गई, क्या हुआ आखिर में, जीत उन सुपर मॉम्स की हुई जिन्होंने वो आवाज उठाई थी। आज जो स्कूल है सुप्रीम कोर्ट गया है, उनको जहां जाना है जहां चली जा, लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जिस प्रकार से उन 5 माताओं ने आवाज उठाई, उन 5 पेरेंट्स ने आवाज उठाई। आज उनके साथ स्कूल में किसी भी प्रकार का भद्र व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके बच्चों के साथ में कोई भी डिफ्रेंशिएट किया गया तो वो उनके अगेंस्ट द लॉ कोर्ट में जाएगा। तो आप भी आवाज बनिए, आप आवाज उठाइए, आप संपर्क कीजिए हमारा, या तो कंज्यूमर कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल कीजिए। बहुत से पेरेंट्स ने ऐसे मुद्दों पर कंज्यूमर केस फाइल किया। अगर आपको वो केस फाइट करने में कोई दिक्कत होती है आप हमें बोलिए, हमारे लॉयर आपकी आवाज बनकर केस फाइट करेंगे। हमारे एनजीओ का अलग से एक लीगल सेल है जो इन सभी चीजों के मुद्दों पर फाइट करता है। कितने ही इंश्योरेंस केसेस में ऐसा होता है कि आपको एक्स वाई जेड कानून बताकर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है यार वो हमको बता रहे हैं तो सही होगा और हम उस पर लड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बारीकी अक्षरों पर लिखा जाता है और हम उनको बिना पढ़े उन पर साइन कर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। आपने कभी उस इंश्योरेंस के पीछे लिखे गए 100 पॉइंट्स को आपने कभी पढ़ा है? कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। कौन पढ़ेगा, छोड़ना यार, वो एजेंट बोल रहा है ना साइन कर देता हूँ, और फिर आखिरी के टाइम पे एजेंट आपसे क्या बोलेगा, मैं क्या करूं, वो तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने की है साइन, तो आपने पढ़ाई नहीं तो नहीं की, मैं क्या करूं, आपने पढ़ाई नहीं। एग्जैक्टली, तो वो हर जगह पर बात यही आएगी कि हमने कुछ किया ही नहीं और हमने आवाज उठाई नहीं। मैं इसलिए बार बार हर वेबिनार में या हर सेमिनार में सबसे एक ही चीज कहता हूं कि उंगली यूं नहीं, यूं उठाओ। तब तक आप उंगली को क्वेश्चन मार्क के सेंस में नहीं उठाओगे तब तक आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। कितने दिन तक आपकी आवाज नहीं सुनेगा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7वें दिन तो वो परेशान होकर बोलेगा कि माता आप आ जाओ, आपकी क्या समस्या है मुझे बताओ, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। खड़े जाओ उसकी दुकान के बाहर, उसको अधिकार नहीं बनता है कि वो आपको किसी प्रकार से ले जाए। मेरी आवाज दबाने का अधिकार किसी को नहीं। मेरी वाइफ, मैं दुकान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, दूध खरीदने गई थी, दूध खरीदने पर उसके पास चेंज नहीं थे, 26 रुपए का कुछ था, 4 रुपए चेंज नहीं थे, 4 रुपए के चेंज के सामने उसने उसको चॉकलेट दे दी। और मैंने मेरी वाइफ को एक ही चीज सिखाई है कि नाना पाटेकर की एक मूवी है, वो सीन हमेशा याद रखना, अगर कोई तुझे पैसों के बदले में चॉकलेट दे दे तो अपना जूता निकाल के उसके काउंटर पे रख देना, कोई एक चीज खरीद के लाना और उस काउंटर पे जूता रख देना, और जब वो ये बोले कि मैडम ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, तब आप उसको याद दिलाना कि ये 4 रुपए की जो चॉकलेट आपने दी है ये किस बात पर दी है आपने, मैंने आपसे बोला था कि मुझे चॉकलेट खरीदनी है। हर दुकानदार को चिल्लर रखना ये उनका कानून है, कुत्ता मांगना वो मेरा अधिकार है। मेरी वाइफ को 4 रुपए चिल्लर अरेंज करके उसको देना पड़ा। ये काम एक दिन मैंने भी किया था, मैं कुछ सामान लेने जाती थी, वो रोज कभी 2 रुपए की चॉकलेट कभी कुछ दे देता था। अब मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई, मेरे घर में बच्चे हैं नहीं, और चॉकलेट भी एकदम घटिया वाली रखते हैं वो लोग। मैं लेके गई उन सारी चॉकलेट को इकट्ठा करके, और मैंने आपको जो बताया कि किसी भी प्रकार से आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी प्रकार की चीज लेने के लिए। जो चॉकलेट वो हमें दे रहा है क्या उसमें उसका प्रॉफिट नहीं है?
4 रुपए की चॉकलेट में 1.5 रुपए तो उसका प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो वो 4 रुपए के एक्सचेंज में भी वो अपना 1.5 रुपए का प्रॉफिट लेके गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में बार्टर सिस्टम चल रही है कि पुराने जमाने के आदि मानव के सिस्टम में हम चले गए कि भैया चावल के बदले में तू मुझे गेहूं दे दे, चप्पल के बदले में तू मुझे ये चीज दे दे। तो ये चीज याद रखो, निकाल के जूता उसके टेबल पर रख दो, भैया आपने चॉकलेट दी, मैंने जूता दिया, मेरा जूता रख लो, आप मेरे को सामने चीज दे दो। मैंने तो उसी को दे दिया, भैया तू ही खा ले। हाँ, मैंने भी उसको लेके गई और मैंने कहा अभी तुम ये मैं दो और ये चॉकलेट रखो अपनी। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में ही होती है। मेरी वाइफ को ये चीज बताने पर अब वो हर इन चीजों पर लड़ती है, और अगर कहीं ज्यादा उसको लगता है कि सामने वाला हावी हो रहा है तो वो अपने 4 आंसू निकाल लेगी। 4 आंसू निकालने पर आपके 4 भाई तो बाजू में खड़े जाएंगे। आती आ रही है आपके पास में अभी आखिरी में तो मैं हुई उसके लिए, और फ्रिंग करो मैं पहुंच जाता हूँ। तो आप सबके लिए भी मैं हूँ, मैं आपके भाई के समान हूँ। आप कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी है कि जहाँ आपके साथ में आपके अधिकारों के साथ खेला जा रहा है, आप हमारी संस्था का कभी भी संपर्क कीजिए। आप फोन सामने वाले के कान पर धर दीजिए, और अगर वो कान पे नहीं धर रहा है आप स्पीकर ऑन कर दीजिए। मैं उसको 1986 से स्टार्ट हुआ कानून से लेके 2019 तक का कानून मैं उसको सिखा दूंगा। वो आखिरी में अपने कान पर हाथ रख के बोलेगा भैया मेरी गलती हो गई, मैं मैडम को दे रहा हूँ चीज। क्यों नहीं? हेलो सर। हेलो सर। जी मैम। हाँ सर, रिलायंस में बिग बाजार में जाते तो भी यही केस होता है, रोज चॉकलेट आती है मैं चेंज के जगह पे। आप लड़िए मैम उनसे, मैंने आपको सिंपल बताया, 10 लोगों के सामने जूता रख दीजिए उनके टेबल पर आप। मैं आपको ये चीज उल्टी इसलिए सिखा रहा हूँ कि सीधी सी बात कोई नहीं सुनेगा, आप अपनी बात किस प्रकार से बताओगे। छुट्टा मैंने तो आपसे नहीं बोला था कि आप 99 रुपए का MRP रखो या 99 रुपए प्राइस रखो, मैंने तो आपसे नहीं बोला था 44 रखे रखो। 44, 99, 45, 46 ये एक बहुत बड़ा खेल है। आप अपना टैक्स बचाने के लिए उतना पैसा रखते हैं। हम देशों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा गया है ताकि एक्सचेंज में हमें कोई चीज दे दी। एक बात और है। जी मैम प्लीज। हेलो मैम, क्या बोल रहे थे आप? निकी मैम आप बोल रहे थे या रोहिणी मैम? मैं क्वेश्चन की थी जी। मैंने चैट बॉक्स पे लिखा है कि जितने पैकेज फूड हैं क्या सब में मिलावट होती है, नहीं तो फिर हम लोग पैकेज फूड सब में मिलावट तो सब में मिलावट तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिन चीजों पर आपको ऐसा लगता है कि मिलावट है तो आप उन चीजों को सीधे से आपके नजदीकी किसी भी FSSAI डिपार्टमेंट में, अगर आपको उस पैक फूड पर डाउट है कि इसमें मिलावट हो सकती है, आप FSSAI डिपार्टमेंट में जाके बोल सकते हैं कि सर ये रिटर्न कंप्लेन है मेरी और आप इस पैकेट को चेक करके बताइए कि इसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट है कि नहीं। अगर वो आपको नहीं करके देता है तो आप हमें बताइएगा, हम प्राइवेट लैब से उसका टेस्ट करवा के हम ये साबित करेंगे कि इसमें मिलावट है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन रखा गया है कि साइबर क्राइम के बारे में आपने नहीं बताया। मैम साइबर क्राइम के लिए मुझे और एक अलग से सेक्शन की जरूरत है, और मुझे ये बड़ा आनंद होगा कि जो साइबर क्राइम के ACP हैं बड़ौदा सिटी के, मैंने सर से आज सुबह में ही बात की थी कि सर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो साइबर कानून के बारे में जानना चाहती हैं। साइबर कानून जो है वो मेरे क्षेत्र में नहीं है, आप चाहें तो मैं उसकी हाईलाइट्स आपको दे सकता हूं, लेकिन इस कानून के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट ही दे पाएगा। और वंदना मुझसे बोले उससे पहले ही मैंने डिपार्टमेंट से सुबह ही बात कर ली थी, सर से किसी स्टेशन में मिलना हुआ था तो मैंने सर से बोला कि सर देश की महिलाएं हैं वो जानना चाहती हैं साइबर कानून के बारे में, और आपको ये जान के ये भी आनंद होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट का आई संपर्क करके एक सेशन चलता है जिसमें वेबिनार्स के द्वारा लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साइबर क्राइम भी जो है वो कंज्यूमर एक्ट के अंतर आता है। कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंतर्गत पहले जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग जो होती थी वो कंज्यूमर एक्ट में नहीं आती थी, वो ये बोलकर वो लोग अपने आप को निकाल लेते थे कि हम प्लेटफॉर्म है, सामने वाले ने चीज बेचा है, हम तो एक कुरियर कंपनी की तरह काम करते हैं, हमने यहाँ से पैकेट उठाया और यहाँ पर पैकेट दे दिया। अब नए कानून के अंतर्गत XYZ कंपनी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, अब उनकी वो पूर्ण जवाबदारी है कि उन चीजों को वो चेक करे कि जो चीज वो भेज रहे हैं या चीज वो जो बेचने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं
उसमें किसी प्रकार की ड्यूप्लीकेशन, किसी प्रकार की धोखाधड़ी, या आपके पास पहुंचते मोबाइल की जगह पर साबुन का पैकेट तो नहीं पहुंच रहा, ये सारी जवाबदारी अब ऑनलाइन कंपनियों की होगी। अगर वो इस प्रकार से आपके साथ में कोई भी प्रकार की चीटिंग होगी तो वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक अलग से कंप्लेन ली जाएगी और उस पर अलग से कार्यवाही भी की जाएगी। तो कंज्यूमर क्राइम मतलब साइबर क्राइम के बारे में मैं आपसे कहूं तो मुझे 2 घंटे भी कम पड़ेंगे आपको समझाने में, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो इस मोबाइल के हैंडसेट पर रह गई है और इस मोबाइल के हैंडसेट को हमने इतना अपने लाइफ के साथ जोड़ लिया है कि हम सबसे बड़े फ्रॉड जो हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी चीटिंग जो है वो इस एक डिवाइस की वजह से हो रही है। हम पुराने नोकिया के हैंडसेट यूज करते थे तब तो हमारे किसी प्रकार की हमारे साथ से साइबर क्राइम नहीं हुआ, और ज्यादातर साइबर क्राइम जो हमारे साथ में होते हैं वो आपकी और हमारी लालच की वजह से होते हैं। आपको किसी ने फोन पर फोन करके कह दिया कि मैडम आपको एक लॉटरी लगी है, आप इस प्रकार से इस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, यानी आपको इनाम मिल जाएगा। आपने उस पर क्लिक कर दिया और इनाम मिलने की जगह पर आपका अपना अकाउंट खाली हो गया। तो साइबर क्राइम से बचने का अगर सीधा सा उपाय कोई है तो अपनी लालच पर कंट्रोल। किसी के भी कहने पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, किसी के भी कहने पर आपको कोई इस प्रकार से देने नहीं आएगा। इस देश में छोड़िए, विश्व में कोई भी मुफ्त पर आपको चीज नहीं दे रहा है। हम ज्यादातर किसी केसेस में बहुत से ऐसे फ्रॉड भी हमारे साथ होते हैं कि आपको ये बताते हैं कि ये डिवाइस जो है ये 1000 रुपए का है और इसके साथ में आपको 500 रुपए का एक छोटा सा डिवाइस फ्री दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो डिवाइस भी आपके साथ फ्री नहीं है। 1000 रुपए की कॉस्ट में 500 रुपए उनकी प्रॉफिट कॉस्टिंग है, उस 500 रुपए की प्रॉफिट कॉस्टिंग में वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 500 रुपए की चीज को पहले ही 1000 रुपए का बनाया गया है और फिर हमें बेचा जा रहा है। एक पर एक थाली फ्री, एक पर एक ड्रेस फ्री, क्या है ये? एक पर 7 फ्री, इज इट पॉसिबल? लॉजिकली क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? वो जो चीज 100 रुपए की है उसको 1000 बनाकर आपको 1 पर 7 बोलकर बेचा जा रहा है और कुछ भी नहीं। हमें हमारी लालचों पर कंट्रोल लेने की जरूरत है। हमें वही चीज खरीदनी है जो हमें सही लगती है। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा बड़ा माध्यम बन चुका है कि जिससे हम आराम से इजीली फोर्सफुली अंदर चले जाते हैं और इतने अंदर तक डीपली घुस जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। कोई बैंक, कोई डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी संस्था आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक कर आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मंगवाएगी, आपसे कभी भी किसी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगेगी। किसी भी बैंक के अधिकारी को या किसी भी बैंक को, किसी भी सरकारी संस्था को आपसे फोन पर ओटीपी मांगने का हक और अधिकार नहीं है और वो मांगते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी प्रकार का ऐसा कोई फोन कॉल आया, हम उसको शॉर्ट ऑप्शन समझकर हम वो चीज उन्हें दे बैठते हैं और अपने खाते से अपने जिंदगी भर की कमाई हम दो बैठते हैं। आपके पास आने वाली हर लिंक को पहले आप चेक कीजिए कि ये लिंक सही है कि नहीं, और बैंक की लिंक कभी भी आपको नहीं आएगी। पेटीएम हो या जी पे हो या फोन पे हो, ऐसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशंस नहीं मंगवाएंगे। और ऑनलाइन वेरिफिकेशन आरबीआई के नॉर्म्स के मुताबिक वैलिड भी नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए हैं वो दीपेश जैन के ही हैं या वो वंदना मौर्य के ही हैं? कोई भी ऐसे तो दे सकेगा ना। इसलिए किसी भी कानून के अंतर्गत ऑनलाइन सबमिट किए गए वेरिफिकेशंस को मान्य नहीं माना जाता। तो आप ऐसे किसी भी चीजों पर क्लिक ही मत कीजिए, तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। दूसरी चीज आपको जानकर, और एक चीज मतलब आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, कि आपके साथ में जब कोई बैंक फ्रॉड होता है और उस बैंक फ्रॉड में अगर आपने किसी लिंक पर क्लिक किए हैं और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से पैसा चला गया है, तो आप साइबर क्राइम में अपना केस फाइल करवा तो सकते हैं, लेकिन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा वापस आप नहीं मांग सकते। आपके खाते से अगर डायरेक्ट पैसा चला जाता है, आपने किसी प्रकार की कोई लिंक क्लिक की नहीं है, आपने किसी को किसी प्रकार का ओटीपी दिया नहीं है, आपने किसी को आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन शेयर की नहीं है, और ऐसे केसेस में अगर आपके अकाउंट से पैसा जाता है, तो बैंक को आपको 30 दिन के अंदर वो पैसा वापस लौटाना होगा।
होता है। और अगर ऐसी बैंक्स आपको 30 दिन में वो पैसा अगर आप नहीं दे पाती हैं, तो इसके लिए आरबीआई का एक अलग से डिपार्टमेंट है, एक जुडिशियल डिपार्टमेंट है, आप उसमें एप्लीकेशन या ऑनलाइन मेल्स कीजिए, आपको उसका जवाब तुरंत मिलेगा और आपको आपका न्याय भी तुरंत मिलेगा। लेकिन याद रखिए, फेस्टिव सीजन है, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बहुत सी चीजों का ध्यान रखिए, किसी भी नॉन रिलायबल वेबसाइट्स पर आप लालच में आकर उस पर खरीदी करने मत जाइए। आपको अगर कोई चीज या कोई वेबसाइट जो आपको ऐसा लगता है कि ये रिलायबल है, तो उसी पे ही अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि मैंने अभी एटीएम कार्ड मंगवाया था और कैसे सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया कि मेरा एटीएम कार्ड आने वाला है और उसी टाइम पे वो मुझसे पिन मांग रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रॉडर्स होते हैं वो बैंक के सिस्टम्स को हैक कर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर जो डेटाज होते हैं उन डेटाज में से वो निकालते हैं कि उनके नजदीकी कौन सा डेटा बनेगा। आपके प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है, आपके व्यवहार को स्टडी किया जाता है, और फिर ही आपको फोन किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीजों पर वर्कआउट करता है। गवर्नमेंट को आपकी एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, साइबर डिपार्टमेंट को कम से कम 72-1 लाख रुपीस का कॉस्ट बैठता है। हमने तो गलती कर दी उन लिंकों पर क्लिक करने के लिए और फिर हम सरकार के पास दौड़े कि हमें न्याय मिला, लेकिन वो बेवकूफी तो हमने ही की, हमने ही तो अपना ओटीपी शेयर किया, हमने ही लालच में आके उस लिंक को क्लिक किया और उस लिंक को क्लिक करने पर हमारा पैसा चला गया। हाँ, आपका पैसा अगर आपके किसी भी इंफॉर्मेशन के शेयर किए बिना अगर आपसे गया है, तो आप हकदार हैं सरकार से, कानून से, विभाग से न्याय मांगने के लिए, और आपको न्याय मिलेगा भी। इसलिए आपसे मैं अगेन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, और आप सभी दूसरों से रिक्वेस्ट कीजिए कि किसी भी लिंक को क्लिक नहीं कीजिए। किसी भी फोन कॉल कर, कोई अगर आपको फोन करके ये बोले कि मैम फलाना एक्स वाई जेड बैंक से मैं बोल रही हूँ आपको और हम आपको बिना इंटरेस्ट की लोन दे रहे हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि मुफ्त की सेवाएं देने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं। कोई आपको जीरो इंटरेस्ट फ्री पर आपको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन नहीं देने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेज रहे हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स आप ही के अगेंस्ट यूज किया जाता है। उसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी चोरी की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चोरी किया जाता है और कहीं ऐसे क्राइम में आपके डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है। जब क्राइम को डिपार्टमेंट स्ट्रेस करने पहुंचती है, जिन फोन कॉल से आपको फोन आता है, वो फोन कॉल नॉन डेवलप्ड स्टेट्स के छोटे से गांव के बच्चों के फोन नंबर और उनके ऊपर लिया हुआ मोबाइल नंबर होता है। कई केसेस में तो ऐसा निकलेगा कि आपके नाम का लिया हुआ भी मोबाइल होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो आज एक चीज मैं आपको और अच्छी बताता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो उनको उनके ऊपर आपको एक एक्टिविटी करने की जरूरत है। वो एक्टिविटी ये है कि यदि आप कोई मोबाइल परचेस कर रहे हैं और आप किसी को अगर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उस पर आप अपनी सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर तो करते ही है, आप उस पर दो लाइन खींच लीजिए और उस पर लिख दीजिए दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली वैलिड फॉर एक्स वाई जेड ओनली। और सिग्नेचर कभी भी बॉटम पे मत कीजिए, जहां आपका डॉक्यूमेंट है, जहां आपके डॉक्यूमेंट का अंत हो रहा है, मतलब बीच के मिड पर अगर जेरोक्स निकाली हुई है, तो जहां आपकी जेरोक्स की लाइन एंड हो रही है वहीं पे आप सिग्नेचर कीजिए, या उस जेरोक्स पर आधी सिग्नेचर कीजिए, आधी ब्लैंक साइड पर और आधी डॉक्यूमेंट के ऊपर के पार्ट पर। अगर कोई आपसे कहता है कि इस प्रकार की सिग्नेचर आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें कह दीजिए कि सर ये कानून मुझे हक देता है कि मैं उस पर हाफ सिग्नेचर नीचे और हाफ मैं उसके ब्लैंक पार्ट के ऊपर लूं, क्योंकि जब कोई उस डॉक्यूमेंट को फ्रॉजरी यूज करने की कोशिश करेगा तो वो सिग्नेचर का सेल्फ असेसमेंट आधा जाएगा, यानी वो पता चल जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट कहीं गलत तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। आप किसी बैंक को भी अगर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या आपके फ्रेंड को भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उस पर आप पर्पस लिख दीजिए कि दो लाइन खींच कर कि आप उस किस पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना भी हमारे साथ होने वाले बड़े नुकसान से हमें बचा सकता है। और कोई क्वेश्चन आपसे? ये एटीएम वाला सर मैं बताना चाहती हूँ आपको, मेरे साथ हुआ। मेरा कार्ड पुराना एक्सपायर नहीं हुआ था, लेकिन नया कार्ड मेरे घर पे अभी कुरियर वाला देके ही गया है कि मेरे पास फोन आया कि मैम आपका कार्ड आ गया है, मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ और मेरा आपका कार्ड आ गया है नया। मैंने कहा आ गया, बोला आप अभी आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप मुझे बता दीजिएगा।
मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। तो मेरे पास ओटीपी आया, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मेरा कार्ड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, मेरे पास नया कार्ड क्यों आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ओटीपी, मैंने उसका दोबारा फोन आया, मैंने कहा नहीं मैं ओटीपी नहीं बताऊंगी। तो बोला मैम आपका कार्ड हम वो कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। मैंने कहा कर दीजिए, मुझे बताना ही नहीं है आपको। फिर उसने मुझे धमकाया थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं मैं बताऊंगी ही नहीं आपको। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कार्ड ही मतलब ऐसे ही किसी ने भेज दिया हो। फिर मैं बैंक गई, बैंक में जाके मैंने पता किया तो कार्ड वो वैलिड था, लेकिन फोन कॉल वो किसी ऐसे फ्रॉड का था। देखिए ये अब आपकी एक छोटी सी सतर्कता आपको कितने बड़े आपके साथ होने वाले लॉस से बचाया। अगर आपका कार्ड एक्सपायर्ड नहीं है, पहली बात तो ये कि बैंक आपको नया कार्ड तब तक इश्यू नहीं करेगा नहीं, उन्होंने बैंक वालों ने उसका कारण ये बताया था कि मैम अब नए चिप वाले कार्ड आ रहे हैं तो हमने आपका कार्ड इसलिए इश्यू किया है नया। पर बिना रिक्वेस्ट के कहाँ रीइश्यू करते हैं? नहीं वो उन्होंने किया था, वो बिल्कुल सही था। मैं बैंक जाके पता करके आई, उन्होंने बोला मैम अब चिप वाले कार्ड आ गए इसलिए वो वाला आपका बेकार हो गया कार्ड, इसलिए हमने नए कार्ड इश्यू किया सभी के। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपका कार्ड इनवैलिड भी हो गया या यूसेज बंद भी हो गया तो क्या होगा? दो दिन चार दिन के लिए हम उस कार्ड से कोई परचेस नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि भारतवर्ष में हमारे पड़ोस वाला हमारे काम नहीं आएगा। कार्ड नहीं चला 5,000-2,000 रुपए हमें एक बार ले लिए बोरो करके हम उन्हें वापिस भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी फोन कॉल पे अगर कोई आपको ये कहता है कि हम आपका कार्ड इनवैलिड कर देंगे, तो उनसे एक ही चीज कहिए कि अगर आप उसको कल इनवैलिड करने वाले हो तो अभी इनवैलिड कर दीजिए। और मैं ही आपको बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि आप इसको इनवैलिड कीजिए। मैं कल बैंक पर आऊंगा, कौन सी ब्रांच से आप बोल रहे हो ये बताइए, और मेरी जो ब्रांच है उस ब्रांच पर मैं चला जाऊंगा खुद, और मैं खुद उसको वैलिड करवा लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, अभी इसी वक्त ब्लॉक कीजिए। आप देखिएगा उनके बोलने का पूरा टोन चेंज होगा और कोई बैंक वाला अपना टोन चेंज नहीं करेगा। आखिरी में वो इतना फ्रस्ट्रेट होगा कि आपको वो दो गाली बोल के फोन रखेगा। yes. ये रियलिटी है। दूसरी चीज, दिवाली की सीजन है, आप OLX या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज बेचने के लिए बैठते हैं, आपसे अगर कोई ये कह दे कि आपकी चीज मुझे पसंद है और आपसे किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं कर रहा है और आपसे ये कह दे कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको पैसा आपको मिल जाएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, और हम कर भी देते हैं, मैं आपको ये बता दूं लिंक आपको वो क्यों भेजेगा? लिंक तो आप भेजेंगे ना ऑनलाइन पैसा मंगवाने के लिए, तो जो आपके पास लिंक आ रही है एक्चुअली आप उसको पैसा आपके अकाउंट से विथड्रॉ करने की परमिशन दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी लिंक आपको ऑनलाइन खरीदी में आपको कोई भेजता है कि आपकी ये चीज मुझे पसंद है, क्योंकि ये इंसिडेंट पिछले हफ्ते ही मेरे छोटे भाई के साथ हुआ है, और यही कारण है कि मैं अपने पूरी परिवार को सबसे पहले मैं शिक्षित करके बैठा हूँ, उसे ये चीज मालूम थी, और जो हैकर था जिसने ये कॉल किया था वो इस लेवल पर फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने ये बोला कि तेरा एड्रेस क्या है मुझे मालूम है, तेरा बैंक अकाउंट मालूम है, तेरे दो बच्चे है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उनसे बोलो तेरे से जो बन पड़े सो कर, वो आपके घर तक नहीं आ पाएगा। वो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने की, आपको दबाने की और आपसे इंफॉर्मेशन लेने की आखिरी कोशिश कर रहा है। वो फोन रख देगा, वो आपको भूल जाएगा, वो आप पर टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो इन चीजों पर अगर ऐसी कोई इंसिडेंट आ जाती है आप छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपको डर है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मेरे फैमिली के साथ कुछ होगा, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक खाली इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशन दे दीजिए, FIR फाइल नहीं, एक इंफॉर्मेटिव लेटर कि मेरे पास इस प्रकार का एक फोन कॉल आया था, मुझे इस प्रकार की धमकी दी गई है, तो मैं आपके पुलिस स्टेशन को सूचित करती हूँ या करता हूँ कि कल को मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी हानि पहुंचती है या क्षति पहुंचती है तो उसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार होंगे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज पर इन्वेस्टिगेट। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप वहां पर लिखित में दे देते हैं। कल को अगर होता है तो आपके पास एक प्रूफ है कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट को या सरकार को इस बारे में आपने जागरूक किया। एक बैंक को भी आप लिखित रखने का रखिए, जो इंसिडेंट जिन्होंने भी मुझे शेयर किया था बैंक का जो इंसिडेंट कार्ड वाला, वो आप एक बैंक को भी लिख के दे दीजिए कि ये कहीं ना कहीं बैंक की किसी गलती की वजह से डेटा लीक हुआ
और उन सामने सर्जरी वालों तक पहुंचा और वो मेरे द्वार तक पहुंचा। ये तो मेरी सतर्कता थी आपकी कि आप उस फ्रॉड से बच गए, लेकिन आपके पास लिखित प्रूफ क्या है कि आपने इस बारे में बैंक को सूचना दी है? तो आप एक एप्लीकेशन कल ही ड्राफ्ट कीजिए और उस बैंक को देके आइए कि मेरे साथ इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको बैंक को इन्फॉर्म किया, और अगर कल को मेरे साथ कोई भी फ्रॉडरी होगी इस प्रकार की तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार हो। आप ये एप्लीकेशन ले लीजिए और इस पर सही सिक्का करके दे दीजिए। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, एलिगेशन नहीं है। और कोई सवाल? एक रोहिणी मैम है, वो 2019 का जो भी सीआरओ का रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो मांग रही है आपसे। मैं वंदना आपके साथ में उस एप्लीकेशन को मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो 59 पेजेस की पूरी एक पीडीएफ है जो बेच पाना मेरे लिए अभी मुश्किल है, तो मैं आपको दो दिन में वो मुझे शेयर कर देना, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी उसको। जी श्योर। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और किसी प्रकार की कोई? ओके, सो थैंक यू सो मच मिस्टर दीपेश, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड आई होप कि हम सबको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है उस चीज के लिए। थैंक यू मैम। कैसे हमें अपने कंज्यूमर राइट्स के लिए हमें लड़ना है, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। एंड मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन भी हमारा साइबर क्राइम के ऊपर एक बार जरूर हो, और आपके साथ भी एक सेशन हम जरूर रखेंगे, सो दैट जो कुछ भी रह गया है वो हम नेक्स्ट सेशन। आज काफी लंबा हो गया है वैसे भी। मैंने कहा ना कि ये कानून एक ऐसा कानून है कि जो आपका इंटरेस्ट ऐसा बढ़ाता जाएगा कि आपका समय आपके साथ से कब आगे निकल गया वो आपको पता नहीं होगा, और आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाएगी कि नहीं मुझे इसके बारे में और जानना है। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, जिन पर हमने कभी रोशनी नहीं डाली, हमने कभी उस तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की कि ऐसा भी एक कानून है कि जो हमें इतनी बड़ी इंश्योरेंस दे रहा है। ये हमारी लाइफ से बड़ी इंश्योरेंस है कि हम अपने हक और अधिकारों को सुरक्षित कर पाए, हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो मैं सुपर मोम की पूरी कमेटी को इस चीज के लिए अभिनंदन दूंगा, और स्पेशल थैंक्स टू वंदना, क्योंकि मैंने वंदना से इस बारे में बात एक साल पहले की थी, लॉकडाउन से पहले आई थिंक, कि वंदना मैं इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ, मैं वंदना के एफपी पेज पर जुड़ा रहता हूँ, और मैं ये आपकी एक्टिविटी सुपर मोम्स की देखते रहता हूँ मैं। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा एक सेशन हमारा भी जोड़ दो, और उसको एकदम से ये चीज स्ट्राइक हुई, और उससे बोला कि दीपेश दिवाली का सीजन है तो ज्यादातर शॉपिंग तो हम ही निकलने वाली है, तो हमें तो भी कुछ मालूम होना चाहिए इस कानून के बारे में। तो वंदना ने ये ऑर्गेनाइज किया, जबकि मैं आज टाइम दे पाने में असमर्थ था, लेकिन ये वंदना की जीत थी कि ये कॉलेज फ्रेंड होने का इतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि आज ये प्रोग्राम किसी भी संदर्भ में होना चाहिए। स्पेशल थैंक्स टू यू वंदना, थैंक्स टू अ फुल कमिटी। मैं और वंदना आज कॉलेज से छुड़े हुए, हमको आई थिंक 2011 से हम लोग, सॉरी 2006 से हम लोग अलग हुए हैं, 2009 के बाद आज वापस हम इतने बड़े सेशन पर संपर्क में है, बाकी व्हाट्सएप पर हाई येलो की लाइफ चल रही है बस। तो थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच वंदना मैम, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर दीपेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री रेणुका बबीता जी, जय श्री कृष्ण। आज आपका जय श्री कृष्ण रह गया था। हाँ रह गया था, आपने पूजा कर दिया। थैंक यू।